हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल देवा WETC में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा वर्ल्ड बुरी हालत है और उसके बाद में इंडिया के अंदर लॉकडाउन है। 21 दिनों का लॉकडाउन था जो कि 14 तारीख को उम्मीद है कि खुल जाएगा, लेकिन इतना इफ़ेक्ट जो है उससे पड़ा है बच्चों की स्टडी के ऊपर, गरीब मजदूर जो हैं उनके ऊपर। तो चलिए, वो बात तो अलग है, वो बात करने नहीं आए अभी। हम एक चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक एक चीज़, जैसे कि सिलेबस स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल में, उसके अनुसार एक एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, तो आपका इसके अंदर नुकसान न हो इसी वजह से वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल आपको होती रहेंगी। तो फोकस करें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो हमें सबसे पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, वो रिवर्स होकर उसी चीज़ के अंदर वापस आ जाता है, इस कॉल्ड फिजिकल चेंज। डेफिनेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ समझना है कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाएंगे। एग्जांपल ये है, देखिए आप दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज़ करते हो वही है, बस फोकस ज़रूर रखें। आइस जो है, आइस कन्वर्ट हुई वाटर के अंदर, वाटर है वो कन्वर्ट हुआ स्टीम के अंदर। ध्यान रखें, ये जो एरो हाफ लगा रखी हैं, इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रोडक्ट है ये चेंज हो रहा है, लेकिन वापस से कन्वर्ट होकर अपनी उसी अवस्था के अंदर आ रहा है, आइडेंटिटी नहीं खो रही है अपनी। तो देखिए, स्टीम जो है वो वापस से कन्वर्ट होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर, और वाटर जो है वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइस के अंदर। ये जो तो एरो लगे हुए, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, ये दोनों शो कर रहे हैं कि जो इस चेंज हुआ है वो कौन सा है, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज इसको हम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइस, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। आइस भी किससे बनती है, वाटर से बनती है, वाटर का फॉर्मूला H2O। स्टीम, यहाँ पर फोकस करना है आपको H2O। कुछ बच्चे कमज़ोर हैं और रिएक्शन के अंदर मिल जाता है कि आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला स्टीम का कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है उनको। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है मेरे भाई, बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बचता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है। जैसे कि हमारे पास है वुड, लकड़ी, एरो का निशान कंप्लीट। वुड को अगर जलाते हैं तो किसके अंदर चेंज होती है, एस के अंदर। अब एस के अंदर चेंज हुई, एस का मतलब क्या है, राख है। क्या राख से वापस बना सकते हैं वुड, नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। क्या हुआ, प्रोसेस आइडेंटिटी खो चुका है, उसके अंदर आइडेंटिटी नहीं खोता, इसके अंदर आइडेंटिटी खो दी इसने। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है मिल्क, मिल्क है वो चेंज हुआ कर्ड में, कर्ड का मतलब दही। क्या दही से वापस मिल्क बनाया जा सकता है, नॉट पॉसिबल, नहीं ना पॉसिबल। तो ये आइडेंटिटी खो देता है केमिकल चेंज और एक नया प्रोडक्ट बना लेता है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस रखना है। चलिए बात करते हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की जो कि एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। कुछ उससे पहले कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, रिएक्शन जो करने वाले हैं, नेम रिएक्शन वो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन है,
व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है। एक एक चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन कौन सी ली, पहली नेम रिएक्शन ले ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सीबीएसई के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। लेकिन पहले इस चीज को समझिए जरूर, पूरा फोकस इसके ऊपर लगाइए। देखिए क्या है कॉम्बिनेशन, किसी चीज का कॉम्बिनेशन होता है किसी के साथ में, किसी चीज का कॉम्बिनेशन होता है किसी के साथ में, एक नया प्रोडक्ट बनता है। यानी कि यहां पर प्रोडक्ट के लिए देखें क्या, जैसे ए बी प्लस सी, दैट गिव्स ए बी और सी, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तीनों क्या है रिएक्टेंट, तीनों क्या है रिएक्टेंट है। इन तीनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया डी, मतलब क्या हुआ, इन तीनों ने जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बनाया सिंगल। यहां पर दो भी हो सकते हैं, जैसे ए बी दोनों ने मिलकर बना दिया ए बी, ए प्लस बी प्लस सी दैट गिव्स, इसकी जगह आप ए बी सी तीनों भी कंबाइन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा। दो भी रिएक्टेंट जुड़ सकते हैं, तीन भी जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा सिंगल। तो ये क्या था, सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल प्रोडक्ट था। आई बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है, क्या नाम है, सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को एग्जाम में कई बार नहीं पूछता, इसकी जगह क्या पूछ लेता है, सिंथेसिस रिएक्शन। तो ध्यान रखना है आपको, इसका दूसरा नाम क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है। चलिए एक रिएक्शन लेके देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम रिबन एक एक्टिविटी है वही ले लेते हैं। जैसे एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिबन ली, ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट था, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन किसी चीज को जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम की रिबन ली, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आई, ठीक है, यह इसको जलाया ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, तो इसके ऊपर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये Mg प्लस O2, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, और ये भी क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट इन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, क्या बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि दो या तीन रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपको समझना है कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रिएक्शंस कैसे बैलेंस की जाती हैं, नाइन्थ क्लास के अंदर, नाइन्थ क्लास के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, कंजर्वेशन मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, किसी को हम बैलेंस करते हैं तो किस हिसाब से बैलेंस करनी पड़ती है वो आपको सिखाते हैं। बैलेंसिंग में भी दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास H2 प्लस O2 दैट गिव्स H2O, एक कॉमन सा एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही कॉमन। ये जो एरो का निशान लगा है यहां पर, ऐसे लाइन खींचो, खींच दी, यहां लिखो LHS और यहां लिखो RHS, करना क्या है बिल्कुल ध्यान से देखो, H कितने हैं, इसका मतलब H यहां पर दो है, H का मतलब ये दो लगा हुआ है, यानी कि H कितने हैं,
दो हैं। उसके बाद लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो हैं। क्या बनाया, H2O, तो H यहाँ पर कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, एक। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो, यहाँ हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, तो सबसे पहले क्या देखें, इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन क्या है, एक है, यहाँ दो है। तो क्या करें, यहाँ दो लगाएं, नहीं, यहाँ दो लगाने से दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, फॉर्मूला ही दूसरा बन जाएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे दो पहले। अब यहाँ दो लगाए तो ये जो दो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये दो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब दो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू में टू कितना हो गया, फोर, और टू वन इंटू में टू कितने हो गए, टू। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, चार, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो। अब क्या करें, यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये दो इसके साथ रहेगा, सिर्फ इसके साथ नहीं रहेगा, क्यों, प्लस का साइन आ गया, प्लस के साइन के बाद नो चेंज, ठीक है, वो अलग सिस्टम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन यहाँ बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो हैं तो वहाँ पर दो हो गए ना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दो हैं तो इसके मल्टीप्लाई में दो गया, कितने हो गए, फोर, हाइड्रोजन भी फोर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन फोर, यहाँ पर ऑक्सीजन दो, यहाँ पर ऑक्सीजन दो, तो रिएक्शन बैलेंस होकर क्या आई, रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, विजिबल होगा साइड, 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स H2O, 2H2, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ये क्या था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट, और ये भी क्या था, रिएक्टेंट, और ये क्या बना, प्रोडक्ट। आई बात समझ में, तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस कैसे करते हैं, आगे और भी रिएक्शंस करनी है हमें, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और काम करते रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो मेरे चैनल के ऊपर नए स्टूडेंट हैं, जिन जो वीडियो भी देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ऐसे ही वीडियो बिल्कुल आराम से आपको समझाई जाएंगी, रेगुलर क्लासेस के साथ में मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।